अस्सलाम वालेकुम, वेलकम न्यू सब्सक्राइबर्स। सो डिलीशियस चिका, सो डिलीशियस, बहुत मज़े की है। देखा कितनी प्यारी लग रही है। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो आप लोगों ने शेयर करना है। हाउ टू मेक चिकन हनी विंग। ये कैप्सिकम है, हनी है शायद, तो इन में हमने बनाना है। और ये बहुत मज़े की है। हमने कैप्सिकम को काटना है, जिंजर कटिंग करनी है इसको। जिंजर कटिंग यानी ये फिंगर टाइप होती है, लंबी कटिंग। ये जिंजर कटिंग कर लेनी है ऐसे बारीक बारीक। तो ये देखें, इस तरीके से मैंने जिंजर कटिंग कर ली है। अब मैंने 3 टेबल स्पून मैंने ऑयल ले लिया है, कुकिंग ऑयल फ्राई पैन में। इस तरह ज़्यादा ऑयल की भी ज़रूरत नहीं है। तो अब मैंने इसमें चिकन विंग जो हैं 400 ग्राम ये इसमें डाल दिए हैं। अब इसकी हमने लाइट आंच पे, जो हमारी लाइट फ्लेम है, हमें हाई फ्लेम नहीं चाहिए, तो इससे हमने इसको ब्राउन करना है अच्छी तरह से। इसकी बन थोड़ा सा मैंने पानी का टच लगाया है। अब मैंने साल्ट डाल दिया इसमें। साल्ट के साथ अब मैंने डाल दिया कैप्सिकम, शिमला मिर्च। तो अब हम इसकी बनाई करेंगे। और साथ ही मैंने ये ब्लैक पेपर जो है, काली मिर्च, ये डाल दी है। ये इसकी सिंपल सी रेसिपी है और ये बहुत मज़े की और डिलीशियस है। अब ये जाएगा इसमें थोड़ा सा विनीगर, सिरका। अब ये सोया सॉस, थोड़ा सा हमने इसको टच देना है, सोया सॉस होगी। और साथ ही हमने ये रेड चिल्ली, थोड़ा सा हमने रेड चिल्ली का टच दिया। अब हम इसमें ये जो है 1/2 टेबल स्पून इसमें हनी डालेंगे। ये हनी जो है ये बहुत मज़े का बनेगा, टेस्ट देगा, अच्छा देगा, डिलीशियस डिश बनेगी ये। देखें, ब्लैक पेपर भी है, साल्ट भी है और हनी भी है। अब हमने इसमें अच्छी तरह से इसकी हम बनाई करेंगे। ये तो डेफिनेटली आप लोगों को ये डिश पसंद आएगी, क्योंकि रेस्टोरेंटों में आप लोग अक्सर खाते भी हैं, तो सेम यही चीज़ होती है वो। ये देखें मैं ऐसे किस तरह मैं इसको हल्का हल्का, ये मैं उसको नीचे से फ्लेम, लो फ्लेम के ऊपर मैं बगैर किसी स्टेक के उसे हिला रहा हूँ। ये उसका कलर भी प्यारा हो गया और ये थिक हो गया माशाल्लाह। और इसकी खुशबू कितनी प्यारी आ रही है, कितना मज़े का। तो ये डिश जो है सर्दियों में भी खाएं, गर्मियों में भी खाएं, बहुत मज़े की है। और सर्दी के लिए तो क्या ही बात है। हनी तो वैसे भी जो है ना आपके मैदे के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। हनी को यूज़ करना चाहिए, हनी को आप दूध में यूज़ करें, छोटे बच्चों को दें, इससे जो है ना आपका मैदा बिल्कुल सही रहता है। तो अब ये देखें, मैंने इसकी सुर्ख मिर्च इसमें बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल ब्लैक पेपर है, साल्ट है, तो लाइट इसमें सिरका वगैरह है। ये चीज़ें आपके मैदे के लिए बिल्कुल फिट रहेंगी। अब देखें, मैं इसको बनाई कर रहा हूँ बगैर किसी स्टिक के ज़रिए। इस तरीके से मैं इसको, ये देखें, हल्का हल्का मैं उसको पुश करता जा रहा हूँ और वो वहीं पे जो है साइड चेंज करता जा रहा है। तो देखें, ये बिल्कुल अब डन हो चुका है। अब मैं इसको एक प्लेट के अंदर निकाल लेता हूँ। ये देखें माशाल्लाह क्या खूबसूरत लुक आई है, और ये बहुत मज़े का है, माउथ वाटरिंग। तो अगर ये अब मैं आपको खाकर एक पीस दिखाता हूँ। तो बहुत ही, अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको शेयर ज़रूर करना, आपने कमेंट करना है, कमेंट में बताया करें। वाह, सो डिलीशियस, बहुत मज़े का बना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफ।